हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा बेटा, हमारे जो चैनल का नेम है अब फ्री क्लासेस से बदलकर फ्री कॉम क्लासेस कर दिया गया है। जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हमारा चैनल, तो फ्री कॉम क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, जिसमें कॉम जो होगा COMM से स्पेल किया गया है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम उन एक्सपेंसेस की बात करने वाले हैं जो असेसिंग ऑफिसर अलाउड नहीं करेगा, यानी उन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। उन्हें बोला जाता है बेटा इन एडमिजेबल डिडक्शंस, यानी वो सारी डिडक्शन जो अलाउड नहीं है, जो एडमिजेबल नहीं है। बात करते हैं सेक्शन 40 की। अब सेक्शन 40 से हमारी शुरुआत हो रही है इन एडमिजेबल डिडक्शंस की। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जो है हमारा वो है सेक्शन 40A। तो सेक्शन 40A क्या बात करता है, देखिए समझिए। चलिए बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है मिस्टर ए, और ये जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, रॉयल्टी किसे पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट कर रहे हैं रॉयल्टी की मिस्टर एफ को, मिस्टर एफ। ठीक है बेटा, अब देखिए होता क्या है, मिस्टर एफ जो है वो है नॉन रेजिडेंट। ठीक है बेटा, तो लॉ क्या बोलता है, तो बेटा लॉ बोलता है कि मिस्टर ए को ये जो रॉयल्टी का एक्सपेंस है वो अलाउड हो जाएगा। कब अलाउड हो जाएगा, अगर मिस्टर ए क्या करे, मिस्टर ए इस रॉयल्टी वाले एक्सपेंस पे टीडीएस डिडक्ट करे, और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसे डिपॉजिट करा दे। कब करा दे डिपॉजिट, ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), यानी जो ड्यू डेट होगी मिस्टर ए की रिटर्न फाइलिंग की, उस ड्यू डेट से पहले पहले वो ये टीडीएस की जो अमाउंट है डिपॉजिट करा दे, तो मिस्टर ए के हैंड में जो रॉयल्टी के एक्सपेंस है उन्हें अलाउड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं दूसरे केस की कि मिस्टर ए ने क्या किया, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, या डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया। ठीक है, तो अब होगा क्या, तो लॉ बोलता है पहली बात, ये जो एक्सपेंस है रॉयल्टी का ये डिस अलाउ हो जाएगा मिस्टर ए को। ठीक है, डिस अलाउ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100%, जो भी अमाउंट है पूरी की पूरी डिसअलाउड हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट दूसरी बात लॉ बोलता है कि जो मिस्टर ए हैं वो क्या हो जाएंगे, असेसी इन डिफॉल्ट। याद करिए बेटा, बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था असेसी की डेफिनेशन में, कि असेसी में असेसी इन डिफॉल्ट भी आता है, और मैंने वहाँ पर आपको समझाया था कि असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि एक पर्सन जिसे इनकम टैक्स में कंप्लाइंसिस करने थे और उसने कुछ गलती कर दी जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो लॉ से बोलता है असेसी इन डिफॉल्ट। और असेसी इन डिफॉल्ट ये बनते हैं सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, यानी अब मिस्टर ए पे क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी के साथ साथ क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ये वो बात करते हैं असेसी इन डिफॉल्ट में। लेकिन प्रोविजो जो है सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 की, उसने एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कराई हुई है असेसी को, यानी मिस्टर ए के पास तरीका है कि वो असेसी इन डिफॉल्ट ना बने, बच जाए। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, तो अगर मिस्टर ए को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं बनना, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, फिर मिस्टर एफ पर। देखिए मिस्टर एफ पर कैसे, लॉ बताता है मिस्टर ए को बेटा हम बोलते हैं पेयर, क्योंकि इन्होंने पेमेंट की है पेयर, और मिस्टर एफ क्या है बेटा, ये है पेई। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मिस्टर एफ क्या करें, ये तीन चीज करें। पहली बात कि अपने रिटर्न ऑफ इनकम वो फाइल कर दें, रिटर्न ऑफ इनकम। दूसरी बात, मिस्टर एफ ने जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है, तो उसमें उन्होंने ये जो रॉयल्टी वाली इनकम है उसे कंसिडर कर लिया हो उसमें। ठीक है बेटा, तीसरी बात, जितना भी टैक्स बना मिस्टर एफ ने वो पे कर दिया है। तो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि मिस्टर ए जो हैं उन्होंने क्या किया है, जितना भी टीडीएस बनता था वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया है। ठीक है बेटा, ये माना जाएगा, डीम्ड प्रोविजन की बात कर रहे हैं आप। ठीक है,
जितना भी टीडीएस बनता था गवर्नमेंट को उन्होंने डिपॉजिट करा दिया है, ये माना जाएगा। लेकिन कौन सी डेट को माना जाएगा? तो जिस दिन मिस्टर एफ ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की उस डेट को ये माना जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। चलिए एक बार इसे समअप करते हैं थोड़ा। यानी अगर कोई पर्सन रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विस की पेमेंट करता है किसे, नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, उस पेमेंट पर लॉ बोलता है कि टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, और डिडक्ट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द पेयर। ठीक है, हमारे केस में मिस्टर ए, मिस्टर ए की जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है उससे पहले पहले या उस डेट पर रिटर्न जो है, टीडीएस की अमाउंट जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जानी चाहिए। इन केस जो पेयर है वो डिफॉल्ट करता है, कैसा डिफॉल्ट करता है, या तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, या टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं करता ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ हिज रिटर्न ऑफ इनकम, तो ये सारा का सारा जो एक्सपेंस है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो डिसअलाउ हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। कितना होगा? 100%। ठीक है, और जो पेयर है वो कहलाएगा असेसी इन डिफॉल्ट एज पर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1। ठीक है बेटा, एक फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट की वो बात करते हैं। असेसी डीम टू बी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा, अगर पेई अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते समय जो भी वो उसे रॉयल्टी या इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वाली इनकम मिली है उसे कंसिडर कर लेता है उस रिटर्न ऑफ इनकम पर और उस पर टैक्स पे कर देता है, तो ये माना जाएगा कि जो पेयर है वो असेसी इन डिफॉल्ट नहीं है और टीडीएस जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गया है। कौन सी डेट को डिपॉजिट हो गया है? जब पेई ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। एक बात और, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर ए जो है असेसी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाएंगे, असेसी इन डिफॉल्ट होते तो उन पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती, तो यहां पर तो एक तरीके से मिस्टर ए ने गलती भी की, टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया, और डिपॉजिट ना कराने पर भी वो असेसिन डिफॉल्ट नहीं हुए सर, यानी एक तरीके से उन्होंने लॉ को माना भी नहीं और असेसिन डिफॉल्ट होने से भी बच गए। ना बेटा ना, ऐसा मत समझो। देखिए, जब पेई ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी है तो वो डेट हमने क्या मान ली है, वो डेट हमने मानी है कि टीडीएस उस डेट को गवर्नमेंट को डिपॉजिट हुआ है। होना कब चाहिए था? होना तब चाहिए था जब मिस्टर ए ने पेमेंट की, लेकिन हुआ कब? जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की पेई ने। तो ये जो बेटा टाइम गैप आया है, क्या गवर्नमेंट यहाँ छोड़ देगी एसएससी को? नहीं, गवर्नमेंट यहाँ बोलती है कि ठीक है हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे मिस्टर ए पर, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब से देना पड़ेगा? वो टाइम पीरियड जब गवर्नमेंट को टीडीएस जमा हो जाना चाहिए था, उस डेट से लेके उस डेट तक लगेगा जिस डेट पर एक्चुअली डिपॉजिट हुआ है गवर्नमेंट को। डेट ऑन विच टीडीएस has to be deposited। ठीक है बेटा, यहां से कहां तक का पीरियड देखना है? डेट ऑन विच TDS एक्चुअली डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड का असेसी को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ आ गया बेटा? तो बड़ा सेक्शन बोलता है 40A, एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट और टू अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, कोई इंटरेस्ट रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट की जा रही है, किसे की जा रही है? एक नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी है या आउटसाइड इंडिया की जा रही है। ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर 17B एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। टीडीएस डिडक्ट होना था जिस पर, वो डिडक्ट नहीं हुआ, या आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड, लेकिन डिडक्ट कर लिए, या डिडक्ट कर लिया गया है लेकिन पे नहीं किया गया, कब तक? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा असेसी के हैंड में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम वेयर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सबसिक्वेंट ईयर। देखिए अब क्या हुआ, वो जो पेमेंट की गई थी उसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया सब्सिक्वेंट ईयर में, और हैज बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 1391। या टीडीएस डिडक्ट तो पहले ही कर लिया था लेकिन पेमेंट जो की वो कब की? ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की। तो उस केस में क्या होगा,
such sum shall be allowed as deduction in computing the income of the previous year in which TDS has been paid. तो बेटा ये जो एक्सपेंस होगा वो कब अलाउ हो जाएगा, वो अलाउ हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिसमें TDS पे किया गया है, ठीक है, ये भी हमने बात कर ली थी। चलिए नेक्स्ट अब बात करता है प्रोविजो की। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 जो हमने बात की कि इन केस असेसी फेल हो जाता है TDS डिडक्ट करना, तो असेसी क्या डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाएगा अगर पेई जो है वो क्या करे रिटर्न फाइल करे अंडर सेक्शन 139(1) और रिटर्न फाइल करते समय क्या करे हैज टेकन इनटू अकाउंट सच सम फॉर कंप्यूटिंग इनकम इन सच रिटर्न ऑफ इनकम, वो जो उसे पेमेंट मिली है उसे क्या करे बेटा वो कंप्यूट करे अपनी इनकम में जब वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करे, हैज पेड द टैक्स ड्यू ऑन इनकम डिक्लेयर्ड बाय हिम और साथ ही में क्या करे टैक्स जो है वो पे कर दे जितने भी उस इनकम पे बना। अब देखिए अब जो ये पेयर है वो असेसिन डीम टू बी डिफॉल्ट नहीं कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा जब ये तीनों कंडीशन पेई ने फुलफिल कर दी हो। साथ ही अब पेयर को क्या करना पड़ेगा ये तीनों कंडीशन पेई ने फुलफिल कर दी है ऐसा एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, किससे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाना पड़ेगा और अपने एओ के पास उसे दिखाना पड़ेगा कि देखिए सर मेरा जो पेई है उसने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी है और ये बात जो है एक सर्टिफाई की है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, आप प्लीज मुझे असेसिन डीम टू बी डिफॉल्ट ना माने, ठीक है समझ आ गया। It would be deemed that the assessee has deducted and paid the tax on such sum on the date on which return of income has been furnished by the payee. ये माना जाएगा कि जो assessee है उसने TDS deduct कर लिया है और pay कर दिया है कौन सी date पर जिस date पर payee ने return of income file की है, ठीक है बेटा। Since the date of furnishing of return of income by the payee is taken to the date on which the payer has deducted tax at source and paid the same, such expenditure payment in respect of which the payer has failed to deduct tax at source shall be disallowed under section 40AI in the year in which the said expenditure is incurred. देखिए अब लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोल रहा है कि चूंकि जो payee है उसने जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की वो डेट मानी गई है कि असेसी पेयर जो था उसने TDS डिडक्ट किया है उस डेट पर और पे कर दिया है गवर्नमेंट को, इसलिए ये एक्सपेंडिचर जो है वो डिस अलाउ हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हाउएवर सच एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द सब्सिक्वेंट ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड बाय द पेई सिंस टैक्स इज डीम टू हैव बीन डिडक्टेड एंड पेड बाय द पेयर इन दैट ईयर। अब ये एक्सपेंडिचर कब अलाउ हो रहा है बेटा, तो ये एक्सपेंस अलाउ हो रहा है कब, उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है पेई ने, ठीक है बेटा समझ आ गया। ये था हमारा सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज आई। ये सेक्शन जो है बेटा ये एप्लीकेबल है नॉन रेजिडेंट के लिए कि इनकेस अगर नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट की जा रही है कौन सी इंटरेस्ट रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की, तो अगर उस पर TDS डिडक्ट किया है पेयर ने या डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया है तो उस केस में एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिसमें एक्सपेंस इनकर्ड हुआ। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 40 सबसेक्शन स्मॉल ए क्लोज आई ए, ठीक है बेटा ये आई था अब आई ए की बात करते हैं। सिंपल ये बेटा जैसे हमने वहां पर पढ़ा वो नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल होता था, ये रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन 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 इसमें एक डिफरेंस क्या है, वहां पर तीन तरह की पेमेंट डिफाइन की गई थी कौन सी इंटरेस्ट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस, यहां पे जो पेमेंट है ये सारी की सारी पेमेंट इसमें इंक्लूड कर ली जाएगी, यानी इसमें बोला जा रहा है एनी सम पेबल टू अ रेजिडेंट, यानी अगर पेयर कुछ भी सम पे कर रहा है रेजिडेंट को तो वो इसमें कंसिडर हो जाएगा अगर TDS उस पर डिडक्ट नहीं होता। तो क्या सर 100% डिसअलाउड हो जाएगा जैसे हमने पढ़ा, ना बेटा ना 100% डिसअलाउड नहीं होगा, इस केस में सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 30% डिसअलाउ होता है। सर वहां पे नॉन रेजिडेंट पे 100% डिसअलाउ कर रहे हैं, यहां पर रेजिडेंट में सिर्फ 30%, ये क्या है, तो इसका रीजन क्या है बेटा देखिए, नॉन रेजिडेंट को अगर असेसी पेमेंट करता है तो एक बार नॉन रेजिडेंट अगर अमाउंट ले गया तो उससे रिकवर करना बेटा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि एक बार इंडिया से पैसा बाहर चला गया फिर आप कैसे रिकवर कर लोगे। लेकिन यहां पर जो है रेजिडेंट को पेमेंट की जा रही है, रेजिडेंट तो अपनी कंट्री का है इसलिए उसके लिए लिबरल लॉज है, सिर्फ 30% जो है वो अमाउंट क्या की जा रही है डिसअलाउ की जा रही है, 70% उस प्रीवियस ईयर में जिसमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है वो ऑलरेडी अलाउड है, 30% बस डिसअलाउड है, ठीक है समझ आ गया। यानी सेम प्रोविजन लगाते हैं
30% डिसअलाउड हो गया। क्यों डिसअलाउड हो गया? यानी टीडीएस ने डिडक्ट किया होगा पेयर ने, या टीडीएस डिडक्ट तो किया होगा लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया होगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो उस केस में 30% डिसअलाउड हो गया। इन केस एसएससी क्या करता है, टीडीएस जो है अब डिडक्ट कर लेता है, या जो उसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया था वो डिपॉजिट करा दिया लेकिन कब कराया, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट के बाद, तो उस केस में कैसे होगा सर? तो उस केस में ऐसा होगा बेटा, जिस प्रीवियस ईयर में उसने ये टैक्स डिपॉजिट कराया है गवर्नमेंट को, उस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा एसएससी को। समझ आ गया? 40A IA दोनों सेक्शन हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक सर्कुलर की, एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया था बेटा, सर्कुलर नंबर 10/2013। देखिए क्या बोलता है ये, डिसअलाउंस ऑफ एनी सम पेड टू अ रेजिडेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 40A IA। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्लिक्ट हुआ था बेसिकली, इसलिए जो है सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला था। तो कई सारी जुडिशियल अथॉरिटीज ने क्या किया बेटा, ये जो प्रोविजन था सेक्शन 40A IA को, इसकी जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने निकाली, उन्होंने ये निकाली कि जो 40A IA वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ कौन सी अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा, विच रिमेन पेबल एट द एंड ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो पेबल हैं पेड नहीं की गई उन पर ही एप्लीकेबल होगा, एंड वुड नॉट बी इन्वोक्ड टू डिसअलाउ द अमाउंट विच हैड एक्चुअली बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखिए बेटा कन्फ्लिक्ट क्या आ रहा था, जो जुडिशियल अथॉरिटीज थी वो समझ रही थी कि ये जो 40A IA के प्रोविजन है वो सिर्फ एप्लीकेबल किस पे, पेबल अमाउंट पर एप्लीकेबल है, यानी एसएससी ने उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाया हुआ बेटा, नॉट पेड दिखाया हुआ, यानी ड्यू बेसिस पे दिखाया हुआ, यानी ड्यू कर रखा है उसने। याद करिए मर्केंटाइल सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसमें क्या करते हैं हम, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यानी अभी पे नहीं की है पेबल दिखा रहे, तो ऐसी वो बात करता है। तो उस केस में एसएससी ने क्या किया, पेबल दिखाया हुआ है उन पर ही एप्लीकेबल होगा ये, अगर एसएससी ने पेड कर दिया है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा जो है जुडिशियल अथॉरिटीज थी उन्होंने अपना ये व्यू दिया। बाद में सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला, सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाल के बताया कि ये जो सेक्शन है 40A IA ये सेक्शन बेसिकली दोनों अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा, पेड पर भी होगा और पेबल पर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन जहां पर जुडिशियल अथॉरिटीज हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने जो है अपनी किसी भी जजमेंट में ये सुना दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ पेबल पे एप्लीकेबल होगा, तो वहां पर बेटा सीबीडीटी का व्यू नहीं चलने वाला, वहां पर हाई कोर्ट का ही व्यू चलेगा। ठीक है, समझ आ गया। द सर्कुलर हैज क्लेरिफाई दैट वेयर एनी हाई कोर्ट डिसाइड एन इश्यू कॉन्ट्ररी टू द अबव डिपार्टमेंटल व्यू, द डिपार्टमेंटल व्यू शैल नॉट बी ऑपरेटिव इन द एरिया फॉलोइंग इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द रेलिवेंट हाई कोर्ट। सपोज दिल्ली हाई कोर्ट की कोई जजमेंट आती है कि 40A IA सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, पेबल अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा, पेड अमाउंट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दिल्ली में बेटा सीबीडीटी का ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, मैंने यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, ऐसा मैंने नहीं बोला कि ये जो सर्कुलर है वो डेली में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सेक्शन 40A IA। देखिए क्या बोलता है सेक्शन 40A IA। सेक्शन 40A IA सिंपल बोलता है कि अगर एसएससी ने कोई टैक्स पे किया है या सेस पे किया है, किस पर, पीजीबीपी के प्रॉफिट्स पर, तो ये जो टैक्स वो पे कर रहा है उसकी डिडक्शन वो नहीं ले सकता, सिंपल इतनी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 40A IB ये क्या बात करता है, तो समझिए बेटा, देखिए ये बोल रहा है कि अगर कोई रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी या सर्विस चार्ज एटसेट्रा, इनसे मिलती जुलती अमाउंट्स अगर रिसीव करता है, कौन, स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करती है, किससे, अपनी अंडरटेकिंग से। फिर से समझिए, कोई रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्ज एटसेट्रा रिसीव्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम हिज अंडरटेकिंग, तो लॉ बोलता है बेटा ये बेटा एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, किसे, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब उन्होंने नेक्स्ट जो है बताया कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, तो वो बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंक्लूड्स क्या, कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कोई कॉरपोरेशन जो एस्टेब्लिश की है किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, या स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग,
अ कंपनी इन विच मोर देन 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अ कंपनी इन विच मोर देन 50% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सिंगली और जॉइंटली बाय ए और बी, अ कंपनी और कॉरपोरेशन इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द राइट टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन. एक ऐसी कंपनी या कॉरपोरेशन जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, क्या राइट है, कि वो जितने भी उस कंपनी या कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स हैं मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके, या उस कंपनी कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट को वो कंट्रोल कर सके या पॉलिसी डिसीजन ले सके. तो उस केस में क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मानी जाएगी. एन अथॉरिटी अ बोर्ड और एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी स्टेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑन और कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट. देखिए, कोई अथॉरिटी है या बोर्ड है, कोई इंस्टीट्यूशन है या बॉडी एस्टेब्लिश्ड है या कॉन्स्टिट्यूटेड है किसी भी एक्ट में, एक्ट किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट, या क्या कर दी हो उस अथॉरिटी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन या बॉडी एस्टेब्लिशमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कर दी हो या कंट्रोल कर दी हो, तो वो भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है. ठीक है बेटा, समझ आ गया. चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेक्शन 48III की. देखिए सिंपल, ये सेक्शन जो बताता है वो ये बताता है कि अगर सैलरीज दी जा रही है, किसे दी जा रही है, आउटसाइड इंडिया की जा रही है या टू अ नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट को किया जा रहा है, तो उस केस में TDS डिडक्ट करना होता है और TDS डिडक्ट करके पे करना पड़ता है. इनकेस एसएससी ने TDS डिडक्ट नहीं किया तो उस केस में बेटा क्या होगा, ये जो है डिस अलाउ हो जाएगा एक्सपेंस इन द हैंड्स ऑफ दैट एम्प्लॉयर. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट 40A(I)(4) की बात करते हैं. देखिए क्या बोलता है बेटा, समझिए. सेक्शन 40A(4) बोलता है, सपोज एक फंड है बेटा, ये फंड जो बनाया गया है किस लिए बनाया गया, फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, अब ये है एम्प्लॉयर, ये क्या करता है, इसमें कंट्रीब्यूशन करता है, कंट्रीब्यूट करता है सर्टेन अमाउंट, और ये जो कंट्रीब्यूट वो कर रहा है इसकी उसे डिडक्शन मिल जाती है. लॉ ये बोल रहा है डिडक्शन मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, अंडर सेक्शन 40A(4), ये वो बात करते हैं. ठीक है, अब होता क्या है, इस फंड में से एम्प्लॉई जो हैं वो अमाउंट विड्रॉ करते हैं, निकाल लेते हैं अपना पैसा, और विड्रॉ जब वो कर रहे हैं वो टैक्सेबल हो रहा है बेटा अंडर द हेड सैलरीज, सैलरीज हेड में वो टैक्सेबल हो रहा है. तो लॉ बोलता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है इस कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन तभी मिलेगी जब क्या किया हो एम्प्लॉयर ने, जितने भी अमाउंट एम्प्लॉय विड्रॉ करता है उस फंड में से और वो टैक्सेबल हो जाती है सैलरीज पर, तो एम्प्लॉयर क्या करे, TDS जो है वहां पर डिडक्ट करे. अगर वो TDS डिडक्ट कर लेता है तभी ये जो कंट्रीब्यूशन है अलाउड होगी, अदरवाइज बेटा ये कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होगी अंडर सेक्शन 40A(4). ठीक है बेटा, समझ आ गया, ये वो प्रोविजन बोलता है. चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं, सेक्शन 40AV, सेक्शन 40A(5) भी बोलते हैं, टैक्स पेड ऑन परक्विजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट डिडक्टेबल. इस पॉइंट में वो बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है उसे एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स दे रहा है. कौन से परक्विजिट्स दे रहा है बेटा, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स दे रहा है. अब उस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे क्या करता है एम्प्लॉयर, टैक्स पे कर देता है. तो लॉ बोलता है ये जो टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, वो टैक्स जो है डिस अलाउ हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर. ऐसा क्यों हो किया बेटा, एक बेसिक रूल जो है इनकम टैक्स का याद करके चलना, एक पर्सन की इनकम एग्जेम्प्ट होगी तो वो एग्जेम्प्ट इनकम से पर्सन के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी. ठीक है, यानी एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दे दी, किसे दे दी, एम्प्लॉय को, और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे टैक्स पे एम्प्लॉयर ने कर दिया, वो अमाउंट जो है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स की वो क्या हो जाएगी बेटा, वो तो हो जाएगी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, और ये जो उसने टैक्स पे किया है ये ऑलरेडी उसकी जेब से गया ही है, इसे डिसअलाउ कर दिया गया है, यानी इसकी वो डिडक्शन ना ले पाए एम्प्लॉयर. ठीक है बेटा, समझ गए. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 40B की, तो देख लेते हैं एक बार 40B बेसिकली जो सेक्शन है बेटा फर्म और LLP पे एप्लीकेबल होता है, तो आइए समझते हैं इसे क्या बोलता है लॉ यहाँ पर. देखिए बेटा सेक्शन 40B जो है वो बात करता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बोनस कमीशन और रेमुनरेशन. ठीक है, इसकी बात करता है, किसे किसे की जा रही है, ये की जा रही है पेमेंट पार्टनर को की जा रही है. ठीक है बेटा, तो लॉ बोल रहा है
कि जो भी इंटरेस्ट रेमुनरेशन पे कर रही है फर्म या एलएलपी, वो डिडक्शन उसकी मिल जाएगी फर्म या एलएलपी को अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, जो रेमुनरेशन पे की जा रही है वो किसे पे की जानी चाहिए? पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स। किसे होनी चाहिए बेटा? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को ये मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन बात करती है कि जो ये रेमुनरेशन और इंटरेस्ट है ये कौन से पीरियड का होना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ उस पीरियड का होना चाहिए जो पार्टनरशिप डीड के बाद का पीरियड है, यानी पार्टनरशिप डीड जिस दिन बनी उससे पिछला वाला पीरियड, रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड, वो नहीं होगा। तो हम इसे बोले पीरियड फॉलिंग आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब वो बात करते हैं बेटा कि जो रेमुनरेशन या इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये क्या होना चाहिए? ऑथराइज्ड होना चाहिए। किसके थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए? ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, ठीक है बेटा, ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वो कंडीशन की बात करते हैं कि अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, किस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन। तो उस केस में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड होगा वो कितना अलाउड होगा बेटा? 12% पर एनम अलाउड होगा। इससे ज़्यादा होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा। ये जितनी भी बात कर रहे हैं बेटा फर्म के हाथ में हम कर रहे हैं कि फर्म के हाथ में इन सभी एक्सपेंसेस की उसे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन अलाउड इन द हैंड्स ऑफ फर्म, ठीक है बेटा, समझ आया? तो देखिए, कोई भी इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन या रेमुनरेशन दी जा रही है अगर पार्टनर्स को, तो फर्म को उनकी डिडक्शन मिल जाएगी। कब मिलेगी? अगर वो क्या हो, पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर। और कौन से पीरियड में मिले? पीरियड फॉलिंग आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड की डिडक्शन नॉट अलाउड, टैक्सेबल हो जाती है। ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। जो भी इंटरेस्ट है या रेमुनरेशन है वो क्या होनी चाहिए बेटा? ऑथराइज्ड होनी चाहिए। दूसरा वो बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो उस केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 12% पर एनम अलाउड है। उससे एक्सेस होते ही वो डिसअलाउड हो जाएगा। इतना समझ आ गया? चलिए, अब एक कंसेप्ट और आता है इसमें, वो आता है बुक प्रॉफिट का। बुक प्रॉफिट क्या होते हैं तो समझिए बेटा, बुक प्रॉफिट क्या होते हैं। सेक्शन 40 भी बात करता है, उन चार जो हमने पढ़ी वो कंडीशन तो है ही, साथ में एक पांचवी कंडीशन और बात करता है वो बेटा, कि जो असेसी फर्म है उसे रेमुनरेशन अलाउ होगी। कौन सी अलाउ होगी? वो अलाउड होगी जो बुक प्रॉफिट के बेसिस पे कंप्यूट की गई है, बुक प्रॉफिट के बेसिस पर। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये बुक प्रॉफिट्स क्या होते हैं? तो समझिए बेटा, बुक प्रॉफिट्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होता, सिंपल, जो भी आपका पीजीबीपी का प्रॉफिट आया, पीजीबीपी प्रॉफिट, उसमें से आप क्या करिए, लेस कर दीजिए। क्या लेस करना है? करंट ईयर के डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए बेटा, ठीक है। और साथ ही कोई ब्रॉड फॉरवर्ड अगर डेप्रिसिएशन है तो उसे भी लेस कर दीजिए, ठीक है बेटा। ये डिडक्शन लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसमें आप ऐड कर दो। क्या ऐड करो? वो रेमुनरेशन जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट है। ध्यान करना बेटा, रेमुनरेशन कौन सी ऐड करनी है? जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट है। अगर पीएनएल अकाउंट में कोई भी रेमुनरेशन डेबिट नहीं है तो ऐड हम नहीं करेंगे, ठीक है। रेमुनरेशन इसमें हम ऐड कर देंगे और जो भी अमाउंट हमारी कंप्यूट होके आएगी वो क्या कहलाएगी? बुक प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन 40B, ठीक है बेटा। ये हमारे हो गए बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 40B। चलिए, ये बुक प्रॉफिट समझ आ गए। लॉ ने बोला था कि जो 40B में रेमुनरेशन अलाउ की जाती है वो बुक प्रॉफिट के बेसिस पर की जाती है। यानी अब क्या कहना चाहता है वो, देखिए अब सिंपल लॉ बोल रहा है कि जो रेमुनरेशन अलाउ होगी वो कौन सी अलाउ होगी? तो देखिए, ये अलाउड होगी बुक प्रॉफिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा बेटा। बुक प्रॉफिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ऑन फर्स्ट 3 लाख, ऑन फर्स्ट 3 लाख 90% जो होगा बुक प्रॉफिट का, और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर, ये हम ले लेंगे बेटा। ये रेमुनरेशन की बात चल रही है बेटा, रेमुनरेशन कैसे कंप्यूट करेंगे 40B में? फर्स्ट 3 लाख का क्या करेंगे? 90%
और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर प्लस जो बैलेंस होगा बेटा बैलेंस उसका क्या कर दें आप उसका कर दीजिए 60%। तो ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट जो दोनों निकल के आई वो क्या हो गई मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउड एज पर सेक्शन 40B। क्लियर हो गया बेटा LLP फॉर्म के केस में कैसे बुक प्रॉफिट्स कंप्यूट करते हैं और कौन सी रेम्यूनरेशन हम अलाउ करते हैं। ठीक है समझ आ गया। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। आइए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 15। अ फर्म हैज पेड 7,50,000 एज रेम्यूनरेशन टू इट्स पार्टनर फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इन अकॉर्डेंस विद इट्स पार्टनरशिप डीड। एक फर्म है उसने 7,50,000 रेम्यूनरेशन पे की है किसे अपने पार्टनर्स को प्रीवियस ईयर 1920 में और ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली ही पे की गई है। ठीक है एंड इट हैज अ बुक प्रॉफिट ऑफ ₹10,00,000। What is the remuneration allowable as deduction? तो देखिए बेटा ध्यान दें 40B क्या बोलता है याद करिए मैंने क्या बोला जो भी बुक प्रॉफिट होते हैं उनके फर्स्ट 3,00,000 पर हम क्या करते हैं 90% और ₹1,50,000 विच एवर इज हाइयर और नेक्स्ट जो बैलेंस बचते हैं उसका हम क्या करते हैं बेटा 60% कर देते हैं। तो 10,00,000 में से रिड्यूस करो फर्स्ट 3,00,000 कितना आएगा बेटा इसका 90% करो सर 3,00,000 का 90% हो गया 2,70,000 और दूसरी अमाउंट थी 1,50,000 विच एवर इज हाइयर तो दोनों में हाइयर कौन सर हाइयर है 2,70,000 तो एक अमाउंट हो गई बेटा हमारी 2,70,000। बैलेंस सर हमारे पास बचता है 7,00,000। 7,00,000 का 60% करो बेटा कितना आ गया ये आ गया सर 4,20,000 दोनों का सम करो कितना आ गया बेटा सर सम करने पे आ रहा है 6,90,000। ठीक है बेटा फॉर्म ने कितनी पे की है बेटा फॉर्म ने पे किया सर 7,50,000। तो उस केस में हम क्या करेंगे जितना भी एक्सेस है वो डिस अलाउ हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ फर्म। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40B अब उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40B(1) वो क्या बोलती है वेयर एन इंडिविजुअल इज ए पार्टनर इन ए फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी जहां पर एक इंडिविजुअल जो है वो फर्म में पार्टनर है किसमें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी यानी किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू सच इंडिविजुअल शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज। देखिए सिर्फ इतना समझिए इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस क्लोज यानी बेटा कहना क्या चाहता है लॉ बोल रहा है कि मिस्टर ए इनकी एक HUF है बेटा और उसमें क्या है ये करता है। ठीक है साथ ही मिस्टर ए जो है ए बी एंड कंपनी एक फर्म है बेटा इस फर्म में वो क्या है पार्टनर है और पार्टनर कैसे बेटा अपनी कैपेसिटी पे मिस्टर ए पार्टनर है इसमें इसे बोलते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी। ठीक है अब हुआ क्या जो HUF है मिस्टर ए की वो क्या करती है वो लोन देती है इस पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है इस पार्टनरशिप फर्म PF मतलब पार्टनरशिप फर्म इस पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रही है और जब इसने लोन दिया तो फर्म क्या करती है ABN कंपनी इसे इंटरेस्ट देती है HUF को। रिसीव कौन कर रहा है बेटा रिसीव यहां पर मिस्टर ए ही इंटरेस्ट कर रहे हैं लेकिन कौन सी कैपेसिटी में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ HUF। तो इस केस की वो बात करते हैं ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है फर्म उस पर सेक्शन 40B जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है बेटा समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा केस लेते हैं। अब क्या है जो मिस्टर ए हैं वो पार्टनर ABC एंड कंपनी में है तो लेकिन किस बेसिस पर है बेटा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पर है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी यानी वो अपने HUF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है और मिस्टर ए क्या करते हैं मिस्टर ए लोन देते हैं ABC एंड कंपनी को यहां पर मिस्टर ए लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। जब मिस्टर ए लोन प्रोवाइड करा रहे हैं ABC एंड कंपनी को तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे इंटरेस्ट किस कैपेसिटी में रिसीव करेंगे इंटरेस्ट करेंगे सर इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ठीक है समझ आ गया इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो सिंपल लॉ बोलता है इस इंटरेस्ट पर भी सेक्शन 40B के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है बेटा
समझ आ गया। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन 40B और उसकी हमने एक्सप्लेनेशन को भी कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 40BA के बारे में। तो चलिए समझते हैं बेटा 40B के अकॉर्डिंग कैसे होता है। तो लॉ बोल रहा है देखिए, एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी कमीशन बोनस और रेम्यूनरेशन मेड बाय एन AOP और BOI टू इट्स मेंबर विल आल्सो नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द AOP। देखिए लॉ क्या बोल रहा है यहां पर, जितने भी इंटरेस्ट सैलरी बोनस या कमीशन या रेम्यूनरेशन दे रहा है, कौन दे रहा है, AOP या BOI अपने मेंबर्स को दे रही है, तो वो जो इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन या रेम्यूनरेशन AOP ने अपने मेंबर्स को दिया, उसकी उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, यहाँ पे AOP और BOI ही टैक्स पे करेगी उस इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन या रेम्यूनरेशन पर। ठीक है, ये 40BA बोलता है। नेक्स्ट अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में लो क्या बोलता है, देखिए बेटा समझिए, एक मेंबर है, ये है मेंबर, ठीक है बेटा, और एक है AOP और BOI। चलिए समझ आ गया इतना। चलिए अब होता क्या, देखिए अब ये जो AOP और BOI है ये क्या करती है बेटा, अपने मेंबर को लोन दे देती है। ठीक है, लोन कितना देती है, लोन हम मान लेते हैं 10 लाख रुपीज़ का। किस रेट पर, 10 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एन। ठीक है, बदले में जो मेंबर है वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट पे करता है AOP और BOI को। कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये बनेगा सर पूरे साल का 1 लाख। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया। साथ ही जो AOP और BOI है अपने मेंबर्स को क्या देती है, सैलरी भी देती है, रेमुनरेशन भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है, बोनस कमीशन एटसेट्रा जो है वो दिया करती है। AOP अपने मेंबर को क्या करती है, इंटरेस्ट भी पे करती है, और वो करती है बेटा 50,000 का इंटरेस्ट वो दे दिया करती है पूरे साल का। तो एक्सप्लेनेशन वन क्या बोल रही है बेटा, वो बोल रही है कि ये जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का, कितना डिफरेंस बना है यहाँ पर, ये डिफरेंस बना 50,000 का, ये 50,000 का जो डिफरेंस है बेटा ये डिस अलाउड हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ होम, किसके हाथ में, AOP और BOI के हाथ में। क्लॉज कौन सा रहेगा, 40BA। ठीक है बेटा, ये एक्सप्लेनेशन बात करती है वन। ठीक है समझ आ गया, एक्सप्लेनेशन टू की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा सेकंड एक्सप्लेनेशन जो हमने, जैसा कि हमने फर्म के केस में देखा था वैसे ही मिलती जुलती है। अब देखिए, अब एक मेंबर है, ठीक है, और मेंबर क्या है बेटा, साथ ही में मेंबर की अपनी HUF है, और HUF का वो है कर्ता। ठीक है बेटा, अब होता क्या बेटा, HUF जो है वो लोन दे रहा है, किसे दे रहा है, AOP और BOI को। ठीक है, लोन प्रोवाइड करा रहा है, और लोन जो प्रोवाइड कराया गया है बेटा वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, ध्यान करें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में प्रोवाइड करा जा रहा है। और AOP BOI इधर अपने मेंबर को जो है वो इंटरेस्ट पे कर दिया करती है। तो लॉ सिंपल बोलता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दिया जा रहा है इंटरेस्ट, ये बेटा अलाउड हो जाएगा, ये डिस अलाउड नहीं होगा। मेंबर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, और मेंबर जो लोन का इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है वो किस कैपेसिटी में रिसीव कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में रिसीव कर रहा है। तो उस केस में बेटा ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। वेयर एन इंडिविजुअल इज ए मेंबर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंटरेस्ट पेड टू हिम इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट, जो हमने बात की बेटा। ठीक है, तो यहां पर 40BA भी हमारा खत्म होता है बेटा। अब बात करते हैं सेक्शन 40A की। देखिए ये जो सेक्शन है ये उन पेमेंट्स को डिसअलाउ करता है या उन पेमेंट्स को इनएडमिशेबल करता है जो रिलेटिव्स को दिए जा रहे हैं या एसोसिएट एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली असेसिंग ऑफिसर की जो पावर है उसके बारे में डिफाइन किया गया है बेटा, कि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो एक्सपेंस जो किस नेचर का हो, पेमेंट टू रिलेटिव एंड एसोसिएट, उसे डिसअलाउ कर सकता है। लेकिन लॉ क्या बोलता है कि ये जो पावर है असेसिंग ऑफिसर की वो डिसअलाउ कर देगा एनी पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड एसोसिएट, वो इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही करेगा। यानी जब वो डिसअलाउ कर रहा है एक्सपेंसेस, तो उसे तीन फैक्टर ध्यान रखने होंगे, कौन कौन से, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस और फैसिलिटीज फॉर विच द पेमेंट इज मेड, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी होगी गुड्स की या सर्विस या फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराई है असेसी ने, असेसिंग ऑफिसर को वो चेक करनी पड़ेगी। द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी, जो लेजिटिमेट नीड है
बिजनेस या प्रोफेशन की एसएससी कैरी कर रहा है उसे ध्यान में रखना होगा। द बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय और एक्रूइंग टू द एसएससी फ्रॉम सच अ पेमेंट, यानी जो पेमेंट उसने की है अपने रिलेटिव्स या एसोसिएट को उससे बेनिफिट क्या हुआ है एसएससी को, ये भी उसे कंसिडर करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को इनकेस वो डिसअलाउ करता है तो। ठीक है बेटा, चलिए बेटा बात करते हैं अब स्पेसिफाइड पर्सन क्या होंगे इंडिविजुअल के केस में। तो लॉ सिंपल बोलता है एनी रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी। रिलेटिव क्या होता है बेटा, रिलेटिव में आता है सन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट, ये होता है रिलेटिव में। दूसरा, एनी पर्सन हु कैरीज ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन इफ द इंडिविजुअल एसएससी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन, और any relative of the individual assessee has a substantial interest in the business of that person। तो इस केस में वो क्या बोलता है कि एक person जो carry करता हो क्या business और profession, वो भी specified person हो जाएगा individual के लिए अगर वो individual assessee का क्या हो substantial interest हो उस person के business और profession में, या किसी individual के relative का उस person के business या profession में substantial interest हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, तो लॉ फर्दर डिफाइन करता है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस या प्रोफेशन में अगर वो पर्सन बेनिफिशियल ओनर हो इक्विटी शेयर्स का जो कैरी करते हो नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर। ठीक है बेटा, इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी की हम बात करते हैं ये, और अदर देयर कंपनी उसके केस में क्या होगा है कि नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन इज बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू दैट पर्सन, यानी जो वो पर्सन है उस बिजनेस या प्रोफेशन से उसे कितना बेनिफिट होता हो एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दैट बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, और ये जो कंडीशन चेक करनी है बेटा ये साल के एंड में करनी है शुरुआत में करनी है, तो लॉ सिंपल बोलता है At any time during previous year, यानी previous year में किसी भी समय हम ये देख सकते हैं। Suppose एक दिन के लिए भी अगर वो 20% का profit मिल रहा है उसे, तो क्या माना जाएगा उस person का substantial interest माना जाएगा। ठीक है, चलिए next अब बात करते हैं company, HUF, firm, AOP और BOI के केस में क्या होता है। तो simple समझिए बेटा, HUF के केस में हम बात करते हैं जो HUF होगा वो उसके member और उसके relatives, फर्म और एलएलपी के केस में समझिए पार्टनर्स एंड देयर रिलेटिव कंपनीज, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, और एओपी और बीआई के केस में बेटे मेंबर्स एंड देयर रिलेटिव्स। समझ आया? तो क्या था बेटा सेक्शन 40 कैपिटल ए, सेक्शन 40 कैपिटल ए बताता था कि एओ जो है वो क्या कर सकता है एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर सकता है। कौन से एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर सकता है, जो पेमेंट की जा रही है ये एसएससी के थ्रू किसे रिलेटिव्स को या एसोसिएट को, अगर एओ को लगता है कि वो जो पेमेंट है वो एक्सेसिव है या अनरीजनेबल अमाउंट। ठीक है बेटा, तो वो उसे डिसअलाउ कर देगा। सपोज देखिए फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल ने एक पर्सन है मिस्टर ए और उन्होंने अपने रिलेटिव से एक सर्विस अवेल की थी और उस सर्विस की वो पेमेंट कर रहे हैं 10,000, मार्केट वैल्यू है उस सर्विस की 8,000 रुपीज़। तो इस केस में एओ क्या करेगा 2,000 रुपीज़ जो है वो डिसअलाउ कर देगा इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। ये वो बात करते हैं सेक्शन ये बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब पहुंचते हैं सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। तो सिंपल ये सेक्शन बोलता है कि बेटा अगर कोई एसएससी इनकर करता है कोई एक्सपेंडिचर किस रिस्पेक्ट में, बिजनेस और प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में, वो जो पेमेंट कर रहा है वो 10,000 रुपीज से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है टू अ पर्सन इन अ डे, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में कैश में, तो लॉ बोलता है कि सिंपल जितनी भी पेमेंट की गई है वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो एक्सपेंस जो है एसएससी का अलाउड नहीं होगा, वो उसके नेट प्रॉफिट्स में ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल ये लॉ बोलता है। चलिए इसमें बहुत सारी कंडीशन है, तो इसकी कुछ कंडीशन है बेटा उन्हें समझते हैं। पहले सबसे पहले आते हैं सेक्शन पर, सेक्शन क्या बोलता है। According to section 40A, subsection 3, where the assessee incurs any expenditure in respect of which payment or aggregate of payment made to a person in a day, ध्यान देना बेटा, एक व्यक्ति को की जा रही है एक दिन में की जा रही है। ठीक है, aggregate भी included है और एक payment भी include है। Otherwise then by an account pay check drawn on a bank or by an account pay bank draft or use of electronic system through bank account or through such other prescribed electronic modes exceeds rupees 10,000,
सच एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। समझ आ गया बेटा क्या बात करते हैं कि 10,000 से ज्यादा की पेमेंट की जाती है किसी एक्सपेंडिचर के लिए एक पर्सन को एक दिन में, तो वो पेमेंट क्या हो जाएगी बेटा, वो डिस अलाउ हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ असेसी। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ बेटा एक्सेप्शंस भी हैं। ये जो लिमिट है 10,000 की वो हो जाएगी 35,000 अगर पेमेंट किसे की जाती है, पेमेंट की जाती है एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को जो क्या करता हो, प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स और कैरेजेस। तो उस केस में ये जो 10,000 वाली लिमिट है ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी लिमिट 35,000 की। ठीक है, दूसरी बात ध्यान करना बेटा सेक्शन में, अगर असेसी ने क्या किया ड्यू बेसिस पे एक्सपेंस दिखा हुआ है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस ईयर 2019-20 और एसएससी ने क्या किया 31 मार्च 2020 को एक एंट्री दिखाई कि एक मिस्टर ए को उसे पेमेंट करनी थी, कितनी करनी थी 11,000 की। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्सपेंस है वो ड्यू बेसिस पे तो अलाउड हो गया। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2020-21 की, यहां पर एसएससी ने क्या किया, मिस्टर ए को जो ये पेमेंट करनी थी बेटा उसने उसे किस में कर दी, कैश में। तो लॉ बोलता है कि प्रीवियस ईयर 2019-20 में ये एक्सपेंस हो गया था अलाउड, जैसे प्रीवियस ईयर 2020-21 में वो कैश में पेमेंट कर रहा है वहां पे ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा, यानी उसकी इनकम मान ली जाएगी प्रीवियस ईयर 2020-21। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना इस सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, केसेस वेयर डिस अलाउंसेस वुड नॉट अट्रैक्ट। अब उन केसेस की बात करते हैं जहां पर सेक्शन 40A क्लॉज 3 की कंडीशन अट्रैक्ट नहीं होती। तो सबसे पहली लोन ट्रांजेक्शन, जहां पर बेटा लोन ट्रांजेक्शन हो रही है, लोन की ट्रांजेक्शन है, वहां पर ये अप्लाई नहीं हो। लेकिन बेटा एक ध्यान देना, अगर इंटरेस्ट की जो पेमेंट की जा रही है वो 10,000 से ज्यादा की जा रही है कैश में, तो वहां पर डिस अलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट या एडवांसिंग ऑफ लोन, उसके केस में ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, अदरवाइज ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरेस्ट की जब पेमेंट की जा रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय कमीशन एजेंट्स, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं अगर वो पेमेंट करते हैं बेटा तो उस केस में भी ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन अगर कमीशन एजेंट अपने गुड्स खरीद रहा है तो उस केस में लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब रूल 6DD ने कुछ कंडीशंस बताई है कि डिस अलाउंस नहीं होगा उन केसेस में भी। तो रूल 6DD की कंडीशन हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर 10,000 से ज्यादा की अगर पेमेंट कैश में होती है तो उस केस में भी डिस अलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी, सेक्शन 40A(3) वाली। ठीक है बेटा, वे पेमेंट इज मेड टू, किसे दी जा रही है पेमेंट, RBI या बैंकिंग कंपनी को, SBI या उसके सब्सिडरी बैंक को, किसी कोऑपरेटिव बैंक या लैंड मोर्टगेज बैंक को दी जा रही है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को पेमेंट की जा रही है या LIC को की जा रही है। तो इस केस में बेटा सेक्शन 40A(3) के जो प्रोविजन है कि 10,000 से एक्सीड होते ही अमाउंट कैश में नहीं देनी, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। बी पॉइंट, वेयर द पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट एंड अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय इट सच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर। देखिए अब पेमेंट गवर्नमेंट को की जा रही है और गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूल्स फ्रेम किए हुए हैं कि वहां पर जो है पेमेंट कैश में ही करनी है, तो उस केसेस में ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय, बाय की बात कर रहे हैं यानी पेमेंट अब कौन कर रहा है, देखिए वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू अ बैंक, अ मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू अ बैंक, LC की अरेंजमेंट की जा रही है बैंक के थ्रू, या मेल या टेलीग्राफिक ट्रांसफर किया जा रहा है बैंक के थ्रू, बुक एडजस्टमेंट होती है फ्रॉम एनी अकाउंट इन अ बैंक टू एनी अदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक। तो थर्ड पॉइंट समझिए बेटा वो क्या बोलते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट में वो बात करते हैं, सपोज एक हेड ऑफिस है बेटा SBI बैंक का, वो है कनॉट प्लेस दिल्ली में। ठीक है, और दूसरा जो ब्रांच ऑफिस है SBI का वो है बेटा साउथ दिल्ली में। तो इस केस में क्या है, ब्रांच ऑफिस को अपने HO को पेमेंट करनी है सपोज 1 लाख की, ठीक है किसी ट्रांजेक्शन के लिए उसने पेमेंट करनी है, और HO को भी पेमेंट करनी है बेटा ₹1 लाख की। तो इस केस में दोनों को अमाउंट सेम ही पे करनी है, तो वो सिंपल क्या करेंगे, वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे अपनी बुक्स में। उस केस में लॉ बोलता है कि वहाँ पे 40A(3) के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए, वेयर इज पेमेंट मेड बाय, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल ओनली टू अ बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वहां पर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट डी पॉइंट, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय द पेई फॉर एनी गुड सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड बाय द एसेसी टू सच पेयर। देखिए जैसा कि हमने बैंक के केस में किया, ऐसी वो बोल रहा है कि अगर कोई ट्रेडर है या बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में ऐसी को एंट्री पास करता है, तो उस केस में भी तब भी ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर द अमाउंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ। देखिए अब अमाउंट जो पे की जा रही है वो किस पर्पज के लिए की जा रही है, खरीदने के लिए। क्या खरीदना है? एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, मीट, हाइड, स्किन और डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए बेटा, अगर कोई पेमेंट करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदने के लिए 10,000 से ज्यादा कैश में, तो वहां पर भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। या क्या खरीद रहे हैं वो, प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जिसमें लाइव स्टॉक, मीट, हाइड्स एंड स्किन ये भी इंक्लूड कर लिया गया, या डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग, फिश और फिश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपिकल्चर टू द कल्टीवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ सच आर्टिकल प्रोड्यूस और प्रोडक्ट। यानी पेमेंट किसे की गई, कल्टीवेटर को, ग्रोअर को या प्रोड्यूसर जो है उन आर्टिकल्स का या प्रोडक्ट का, उन्हें की जा रही है। ठीक है, नोट्स, अब नोट्स समझ लेते हैं फिश और फिश प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया। देखिए अदर मेरीन प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर लिए गए, जैसे श्रिम्प, प्रॉन, कटल फिश, स्क्विड, क्रैप, लॉबस्टर एटसेट्रा, बेसिकली बेटा ये सी फूड्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट डबल आई, डबल आई क्या बात करता है, द प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश और फिश प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ रूल 60DE वुड इंक्लूड, जो प्रोड्यूसर हैं फिश के या फिश प्रोडक्ट के उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, एनी हेडमैन ऑफ फिशरमैन वो भी इंक्लूड है। हेडमैन को बताया गया है कि क्या होता है हेडमैन, हु सोर्ट्स द कैच ऑफ फिश ब्रॉट बाय फिशरमैन फ्रॉम द सी एट द सी शोर इटसेल्फ एंड देन सेल द फिश और फिश प्रोडक्ट टू ट्रेडर, एक्सपोर्टर एटसेट्रा। वो जो छांटता है उन मछलियों को जो फिशरमैन लेके आता है सी शोर पर, यानी समुद्र के किनारे, और फिर समुद्र के किनारे उन्हें व्यापारियों को वो बेच दिया करता है या एक्सपोर्टर को बेच दिया करता है, वो कौन हो गया बेटा, हेडमैन ऑफ फिशरमैन। ठीक है, हाउएवर, लेकिन अबव एक्सेप्शन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ फिश और फिश प्रोडक्ट फ्रॉम ए पर्सन हु इज नॉट प्रूव टू बी अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस गुड्स एंड इज ओनली अ ट्रेडर, ब्रोकर और एनी अदर मिडल मैन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अब वो बात करता है, देखिए जो फिश और फिश प्रोडक्ट की बात चल रही थी उसमें पेमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर को अलाउड है, अदर देन प्रोड्यूसर अगर वो ट्रेडर है या ब्रोकर है या मिडल मैन है उसे पेमेंट होती है अगर 10,000 से ज्यादा की कैश में, तो बेटा वो रूल 60DD के प्रोविजन में नहीं आता, तो वहां पर अट्रैक्ट कर जाएगा प्रोविजन 48(3). ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए एफ पॉइंट बात करते हैं, पेमेंट दी जा रही है किसके लिए दी जा रही है, फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन ए कॉटेज इंडस्ट्री टू द प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट। अब देखिए कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पर जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है विदाउट द एड ऑफ पावर, यानी बिना बिजली के सहायता के वो बनता है, तो उस केस में जो भी वो प्रोड्यूसर है उन प्रोडक्ट का उसे पेमेंट जो भी मिलेगी रूल 60D के प्रोविजन लग जाएंगे और 48(3) के प्रोविजन नहीं लगेंगे। वेयर द पेमेंट इज मेड इन ए विलेज और ए टाउन विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सर्व्ड बाय एनी बैंक। अब देखिए एक ऐसा विलेज या टाउन है जहां पर कोई बैंक नहीं है और कोई पर्सन वहां पे बिजनेस कैरी कर रहा है या प्रोफेशन या वोकेशन कर रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को 10,000 से ज्यादा की पेमेंट मिलती है, तो लॉ बोलता है कि रूल 60D के प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल है। सिंपल क्या होगा, 48(3) अट्रैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एच पॉइंट, वेयर एनी पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी और हेयर ऑफ सच एन एम्प्लॉय। देखिए अब वो बात कर रहे हैं कि पेमेंट किसे दी जा रही है, एम्प्लॉय को दी जा रही है एसएससी के, या एम्प्लॉय का क्या है, लीगल हेयर है, और इन कनेक्शन विद, किस कनेक्शन में दी जा रही है बेटा, रिटायरमेंट, रिट्रेचमेंट, रिजिग्नेशन, डिस्चार्ज और डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुटी, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन और सिमिलर टर्मिनल बेनिफिट। An aggregate of sums payable to the employee or his heir does not exceed 50,000 rupees. जहाँ पर बेटा payment 50,000 से ज़्यादा exceed नहीं होनी चाहिए, तो इस case में employee वाले case में जहाँ पर employee को payment की जा रही है, ये legal heir को कब की जा रही है, retirement पे या retrenchment पर या resignation या discharge हो गया या death हो गई है उस employee की, gratuity के लिए payment कर रहे हैं, retrenchment की कर रहे हैं, compensation दे रहे हैं, similar terminal benefit दे रहे हैं, तो उस केस में लिमिट कितनी हो गई, 50,000 हो गई बेटा, 50,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होते ही 48(3) के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय असेसी बाय वे ऑफ सैलरी टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी। जहाँ पर पेमेंट कर रहा है असेसी सैलरी की अपने एम्प्लॉय की, कब कर रहा है, TDS डिडक्ट करने के बाद,
और TDS डिडक्ट करने के बाद कैश में पेमेंट कर रहा है, किसे कर रहा है, एक ऐसे एम्प्लॉय को जो क्या है टेम्पररीली पोस्टेड है, कितने दिनों के लिए, फॉर अ पीरियड, फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर, यानी कम से कम 15 दिनों के लिए, लगातार 15 दिनों के लिए, इन ए प्लेस अदर देन इज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑन ए शिप, एंड इसके साथ बेटा एंड लिखा हुआ है यानी दोनों कंडीशन होनी चाहिए, डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट इन एनी बैंक एट सच प्लेस और शिप, और जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, बैंक अकाउंट नहीं है उसके पास, जिस लोकेलिटी में भेजा गया है वहां पर भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, या जो शिप है वहां पर भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अ डे ऑन विच बैंक्स वर क्लोज ईदर ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक। अब देखिए पेमेंट जो है एक ऐसे दिन पे दी जा रही, बैंक सब बंद है, किस वजह से, या तो छुट्टी है उनकी या स्ट्राइक कर दी है बैंक वालों ने, तो उस केस में भी 10,000 से ज्यादा की जो पेमेंट की जाएगी कैश में वो अलाउड हो जाएगी। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन टू हिज एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। अब देखिए पेमेंट कौन दे रहा है, एक पर्सन क्या दे रहा है, अपने एजेंट को दे रहा है, और एजेंट को क्या करनी है बेटा, एजेंट को पेमेंट करनी है फर्दर जो उसने गुड्स या सर्विसेज लिए हैं अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो उस केस में प्रिंसिपल जो है वो पेमेंट कर सकता है एजेंट को कैश में। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर और अ मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए अब इस पॉइंट में क्या बोलते हैं, फॉरनर्स आते हैं बेटा हमारी कंट्री में घूमने, अब फॉरनर्स जो है फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, तो अगर कोई फॉरेन करेंसी वाला फॉरनर मनी एक्सचेंज कराता है किसी ऑथराइज्ड डीलर के पास या मनी चेंजर के पास, तो उस केस में जो ये ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर है वो पेमेंट करता है 10,000 रुपीज से ज़्यादा की कैश में, तो तब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, नो पर्सन इज अलाउड टू रेज इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग्स अ प्ली बेस्ड ऑन द ग्राउंड दैट द पेमेंट वॉज नॉट मेड और टेंडर्ड इन कैश और इन एनी अदर मैनर। देखिए लॉ क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रोविजन के अगेंस्ट कोई भी वॉयलेटिव नेचर का प्रोविजन नहीं बन सकता किसी भी लॉ में। सिंपल देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक अग्रीमेंट साइन होता है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, मिस्टर ए बोलता है कि मैं जो पेमेंट लूंगा वो कैश में लूंगा 15,000 की, तो लॉ बोलता है कि अगर बी जो पेमेंट कर देता है चेक में, तो ए जो है ये प्ली नहीं उठा सकता कोर्ट में जाके, ये एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बी ने मेरी कंडीशन नहीं मानी, मैंने कैश में मांगे थे रुपीस। वहां पर ये माना जाएगा कि ये जो ए ने कंडीशन लगाई है वो ये वॉयलेटिव है सेक्शन 40A3 की। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन 40A3 जो बात करता था कि अगर SSC एक्सपेंडिचर इनकर करता है मोर देन 10,000 रुपीस का अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, तो उस केस में जितना भी उसने एक्सपेंडिचर किया है वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें ट्रांसपोर्टर के केस में, तो ये अमाउंट 35,000 हो जाती थी, और कुछ हमने मोड्स ऐसे पड़े जहां पर क्या है ये डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी, जैसे लोन ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेड बाई कमीशन एजेंट, या पेमेंट रूल 6DD के अकॉर्डिंग की जा रही है, तो उन सभी केसेस में 40A3 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।